मध्य प्रदेश अजब है गजब है, ऐसी ही अजब गजब कहानी लेकर आए हैं हम। बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। नगर सरकार को लेकर दोनों पार्टी में जमकर खींचतान मची हुई है। ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया मध्य प्रदेश के विदिशा से। जी हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका आजमाया है। इस अनोखे तरीकों को लेकर वे खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी वोट मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विदिशा जिले के कांग्रेस प्रत्याशी को जूते पड़ने के डर से हेलमेट पहनकर मैदान में उतर गए हैं। वार्ड 18 के प्रत्याशी मनोज खींची पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बन गए हैं। मनोज खींची 2 बार पहले भी पार्षद रह चुके हैं, 3री बार पार्टी ने फिर उन्हें टिकट दिया है। पूरा मामला आपको बता दें कि मनोज खींची को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है कि वो वोट मांगने यदि वे अपने क्षेत्र में गए तो उनके ऊपर जूतों की बरसात की जाएगी, जिसके कारण मनोज अब अपने सर पर हेलमेट पहनकर प्रचार में उतर गए हैं। और मनोज और उनके समर्थक भी जूते पड़ने के डर से हेलमेट पहनकर चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। मनोज ने सोशल मीडिया पर खुद के लिए प्रयोग की गई अभद्र भाषा इस्तेमाल करने की शिकायत निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर उमा शंकर भार्गव से भी की है।